खबर उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद से है, जहां कल पंचायत चुनाव के नामांकन के पहले दिन काफी गहमा गहमी देखने को मिली। उत्साह से भरे प्रत्याशियों से कलेक्ट्रेट परिसर देर शाम तक भरा रहा। नामांकन के पहले दिन जिले के कुल 17 ब्लॉकों के 58 वार्डों में 650 से अधिक प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान कलेक्ट्रेट परिसर में सुबह 8 बजे शाम 7 बजे तक गहमा गहमी की स्थिति रही। खबर मिलने तक 650 से अधिक प्रत्याशियों ने जिला पंचायत सदस्य पद के लिए नामांकन किया। हालांकि देर शाम तक कलेक्ट्रेट में नामांकन करने वालों की भीड़ लगी रही। वहीं सभी प्रत्याशियों ने अपने अपने मुद्दों पे चुनाव लड़ने की बात कही। वकीयों ने हर बार की भांति इस बार भी विकास की गंगा बहाने का वादा भी किया। विभागीय सूत्रों की माने तो वार्ड नंबर 52 से लेकर 58 तक लगभग 55 प्रत्याशी, 34 से 41 तक 75 प्रत्याशी, 42 से लेकर 49 तक लगभग 120, 10 से लेकर 17 तक लगभग 100 से अधिक, 1 से लेकर 9 तक 100 से अधिक, 18 से लेकर 23 तक 60 से अधिक व 24 से लेकर 33 तक 102 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किया। जनरेटर के सहारे नामांकन स्थल पर नामांकन की प्रक्रिया देर शाम तक चलती रही। बलिया जनपद से आशीष सिंह बिसेन की रिपोर्ट। मैं संजय यादव, सदर जिला पंचायत बलिया। जी संजय जी, आज किस चीज का आपने नामांकन किया? नामांकन किया आपने? आज मैंने जिला पंचायत सदस्य पद के लिए नामांकन दाखिल किया। किस वार्ड से? वार्ड नंबर 39। आपने क्या सोची इस पद से और ये वार्ड से नामांकन, कौन सी खास बात है जो इस क्षेत्र में नहीं है उसे करना चाहते हैं आप? बोल रहे हैं आपके वार्ड में कौन ऐसा कार्य नहीं हुआ जिसे करना चाहते, प्राथमिकता क्या रहेगी? मेरे इलाके में वैसे तो मैं पूरे इस 15 वर्षों में, मैं 15 वर्ष से जिला पंचायत का सदस्य हूँ और अभी बहुत सारे कार्य ऐसे हैं जिनको मुझे पूरा करना है, जहाँ गरीब कमजोर लोग हैं और आज भी वहाँ कुछ कार्य बाकी रह गए हैं। वैसे तो मैंने 5 वर्षों में बहुत काम किया है, लेकिन कुछ काम अधूरे हैं जिनको मैं इस बार पूरा करना चाहता हूँ। कोई संकल्प लेके चलना है जी? कोई संकल्प लेके चलना है? संकल्प क्या है, जनता के लिए काम करना है और जो कार्य अधूरे हैं उसको पूरा करना है। आप पुराने सदस्य हैं और पहले भी आप रह चुके हैं जिला पंचायत के सदस्य, इस बार क्या चैलेंजिंग रहेगा आपके लिए? यहाँ कोई चैलेंज नहीं है, जनता का स्नेह आशीर्वाद मिल रहा है और मैं जानता हूँ कि मैं चुनाव पुनः जीतूंगा। मुझे घमंड नहीं है, जनता के ऊपर भरोसा विश्वास है और जनता ने मुझे स्नेह आशीर्वाद। अगर इस बार अगर चुनाव जीतते हैं तो क्या क्या आप सोचे हैं अपने? जो पिछली बार नहीं कर पाए इस बार करेंगे फिर दोबारा। ये हमारे इलाके में कुछ ऐसे गांव सभाएं हैं जो एक गांव से दूसरी गांव अभी तक नहीं जुड़ पाई है और जिला पंचायत के पास इतना पैसा एक जिला पंचायत सदस्य को नहीं मिलता है कि एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ पावे। लेकिन मैं इस बार प्रयास करूंगा कि जिला पंचायत से एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ने का काम करूं और निश्चित रूप से ये मेरे मन में कुछ है जो मैं आज कुछ कह नहीं सकता, लेकिन यदि मैं उस लायक बना तो अपने इलाके को एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ने का काम करूंगा। क्या नाम है? वार्ड नंबर 39 प्रत्याशी, वार्ड नंबर 19 नामांकन करके बाहर आया हूँ जी। मनीष जी, क्या प्राथमिकता रहेगी आपके कार्य में? मेरी प्राथमिकता जो भी क्षेत्र के विकास से संबंधित है, सर्वांगीण विकास, सम्मान और लोगों के भविष्य के संवारने का काम करें। कितने गांव आपके आपके वार्ड से हैं? 11 ग्राम पंचायत हमारे वार्ड में। कितना पिछड़ा हुआ है वहाँ पे, क्या क्या आपके उद्देश्य हैं? मूल सुविधा नहीं है वहाँ पे। सबसे बड़ी चीज़ जो है वहाँ पे लोग पिछलेपन का एहसास आज भी करते हैं। क्षेत्र हमारा 15 ब्लॉक पड़ता है, 15 ब्लॉक के अधिकांश गांव काफ़ी पिछले ब्लॉक गाँव के अंतर्गत थे। बहुत से गाँव के पूर्वे ऐसे हैं कि जो आज तक मुख्य मार्ग से जुड़ नहीं पाए हैं। आबादियों में आज भी झोपड़ पट्टी की स्थिति दिखाई देती है, लोगों में शिक्षा का अभाव है। अभी अभी इससे पहले आप गाँव ऐसे गए जहाँ पे अभी तक सड़क नहीं गई आपके ब्लॉक में? ऐसे कई गाँव हैं, ऐसे कई पूर्वे हैं, कई पूर्वे हैं, ग्राम पंचायतों तो सारी संतृप्त हैं, लेकिन कई पूर्वे ऐसे हैं जो कि 250 की मजरे की हैं वो अभी संतृप्त नहीं है। अभी जो आपके जो अभी आप इससे पहले भी प्रधान रह चुके हैं तो क्या आपके लिए चैलेंजिंग थी, आप अब क्या चैलेंजिंग है? देखिए, ग्राम पंचायत हमारी जनपद की सबसे बड़ी पंचायत रही है जिसका मैंने
प्रतिनिधित्व किया है हमारी पत्नी प्रधान थी, और लोगों में जो जिज्ञासा थी कि हाँ हम जो अभाव ग्रस्त क्षेत्र में रह रहे हैं उसको भली भांति मैंने पूर्ण करने का प्रयास किया है, और लोगों में ये सहानुभूति भी है कि जो मैंने मेरे कार्यकाल में लोगों ने विकास देखा है वो कभी इस तरह का कार्यकाल नहीं रहा है। लोग हर तरह से हर योजनाओं का लाभ लिए हैं, और वही चीज़ अगल बगल की ग्राम पंचायतों को लोगों में आशा है कि इन्होंने अपने ग्राम पंचायत को इतना आगे बढ़ाया है, हमारी ग्राम पंचायतों को भी ऐसा ही स्थिति आई। वार्ड नंबर 19 से नामांकन करके बाहर आया हूँ। मनीष जी, क्या प्राथमिकता रहेगी आपके कार्य में? मेरी प्राथमिकता जो भी क्षेत्र के विकास से संबंधित है, सर्वांगीण विकास, सम्मान और लोगों के भविष्य के संवारने का काम करेंगे। कितने गांव आपके आपके वार्ड से हैं? 11 ग्राम पंचायत हमारे वार्ड में। कितना पिछड़ा हुआ है वहाँ पे, क्या क्या आपके उद्देश्य हैं? क्या मूलभूत सुविधाएं नहीं है वहाँ पे? मूल सुविधाएं सबसे बड़ी चीज है वहाँ पे, लोग पिछड़ेपन का एहसास आज भी करते हैं। क्षेत्र हमारा 15 ब्लॉक पड़ता है, 15 ब्लॉक के अधिकांश गांव काफ़ी पिछड़े ब्लॉक गांवों के अंतर्गत थे। बहुत से गांव के पूर्वे ऐसे हैं कि जो आज तक मुख्य मार्ग से जुड़ नहीं पाए हैं। आबादियों में आज भी झोपड़ पट्टी की स्थिति दिखाई देती है, लोगों में शिक्षा का अभाव है। अभी इससे कई गांव ऐसे थे गए जहाँ पे अभी तक सड़क नहीं गई आपके ब्लॉक में, ऐसे कई गांव हैं, ऐसे कई पूर्वे हैं, कई पूर्वे हैं ग्राम पंचायतों तो सारी संतृप्त हैं, तो कई पूर्वे ऐसे हैं जो कि दो ढाई